टेस्टी टेस्टी मसाला भिंडी जब आप लंच में सर्व करेंगे तो सब आपकी तारीफ करेंगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल क्रिएशन विद अनवी में। आज मैं शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ मसाला भिंडी की रेसिपी। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। इसको बनाने के लिए मैंने 1/2 kg भिंडी को कट कर लिया है। मैंने थोड़ा बड़े बड़े स्लाइसेस में इसको कट किया है। इसके बाद मैंने अनियन को चॉप कर लिया है और कुछ अनियन के पीसेस मैंने इस तरीके से निकाल लिए हैं। लहसुन अदरक और मिर्ची का पेस्ट तैयार कर लिया है। 2 टमाटर को मिक्सी में पीसकर प्यूरी तैयार कर ली है। तड़का लगाने के लिए हमें चाहिए होगी सौंफ, थोड़ी सी अजवाइन। मसालों में हमें चाहिए हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक और जीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून दही जो कि खट्टा नहीं है। एक कढ़ाई में ऑयल गरम कर लिया है। अब इसमें मैं भिंडी डाल रही हूँ। भिंडी को सेलो फ्राई कर लेंगे। भिंडी फ्राई हो गई है, अब इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। उसी कढ़ाई में हम ऑयल गरम करेंगे, उसके बाद इसमें सौंफ डालेंगे, अजवाइन डालेंगे और इसको भूनेंगे। अब इसमें मैं अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी और इसको भून लूँगी। इसको भून जाने पर इसमें प्याज ऐड कर रही हूँ और प्याज को भी हम अच्छी तरीके से भून लेंगे। प्याज भी ब्राउन हो गया है। अब इसमें मैं टोमेटो प्यूरी ऐड कर रही हूँ और इसको अच्छे से मैं भून लूँगी जब तक ये तेल नहीं छोड़ देता। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून हल्दी, 1.5 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/4 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च मैं इसमें थोड़ा सा ही यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैंने इसमें हरा मिर्च यूज़ किया था। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 टेबल स्पून जीरा पाउडर। सारे मसालों को अच्छे से भून लेंगे। इसमें थोड़ा सा मैं पानी ऐड करूँगी जिससे मसाले अच्छे से भून जाएंगे। मैंने पानी ऐड कर लिया है, इसको मैं भून रही हूँ। देखिए अच्छे से ये पक गया है मसाला। अब मैं इसमें दही ऐड करूँगी। दही को अच्छे से मसालों में मिक्स कर लेंगे। अब इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। नमक दही डालने के बाद ऐड करते हैं, नहीं तो पहले यूज़ करने से दही फट जाता है। अब मैं अच्छे से इसको मिला लूँगी। अब मैं इसमें फ्राई की हुई भिंडी डाल रही हूँ और अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी ताकि जो मसाले हैं वो भिंडी में अच्छी तरीके से मिल जाएं। दोस्तों, मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लग रही है मुझे ज़रूर बताएं एंड मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मैंने अनियन के स्लाइस जो निकाले थे उनको मैंने फ्राई कर लिया है और अब इसको मैं भिंडी में डाल दूँगी और अच्छे से मिक्स कर दूँगी। भिंडी को कुछ देर के लिए पकाने के लिए इसको मैं प्लेट से ढक दूँगी और 5 मिनट के लिए इसको पकने दूँगी। हमारी मसाला भिंडी ऑलमोस्ट तैयार हो गई है। अगर इसको और क्रिस्पी करना है तो थोड़ी देर के लिए इसे और भून सकते हैं। हमारी टेस्टी मसाला भिंडी बनकर तैयार हो गई है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, खाने में बहुत ही टेस्टी है, बच्चों को बहुत ही पसंद आएगी। थैंक यू।